हेलो फ्रेंड, आज हम भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, करेंगे उसका ब्रांड ओवरव्यू, जानेंगे कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में, जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और भी बहुत कुछ कंपनी से रिलेटेड चीजें जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले। अबाउट द कंपनी, भारती एयरटेल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई थी जुलाई 7, 1995 में। कंपनी एक लीडिंग ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो ऑपरेट करती है बहुत सी कंट्रीज में अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। कंपनी रैंक करती है अमोंग टॉप 3 प्लेयर्स में जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है ग्लोबली इन टर्म ऑफ सब्सक्राइबर्स। इंडिया में कंपनी ऑफर करती है 2G, 3G एंड 4G वायरलेस सर्विसेज, मोबाइल कमर्स, फिक्स लाइन सर्विसेज, हाई स्पीड होम ब्रॉडबैंड, DTH, एंटरप्राइज सर्विसेज जिसमें इंक्लूड है नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज टू कैरियर्स, और बाकी दूसरी ज्योग्राफीज में कंपनी ऑफर करती है 2G, 3G एंड 4G वायरलेस सर्विसेज एंड मोबाइल कमर्स को। कंपनी ऑफर करती है अपने इन सभी सर्विसेज को अंडर ए यूनिफाइड ब्रांड एयरटेल। कंपनी पहली वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर थी जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया था अपनी कैपेबिलिटी को टू रोल आउट 5G वायरलेस सर्विसेज को इंडिया में। इन अक्टूबर 2020 में कंपनी एंटर हुई थी फास्ट ग्रोइंग क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट में, जिसमें कंपनी ने लॉन्च किया था एयरटेल IQ को विथ ए कस्टमर बेस जिसमें बहुत सी बड़ी कंपनियां शामिल थी जैसे कि स्विगी, जस्ट डायल, अर्बन कंपनी, हैवेल्स, डॉक्टर लालपाथ लैब एंड रैपिडो। एयरटेल बिजनेस इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है इन B2B कनेक्टिविटी स्पेस में, जिसमें वो सर्व करता है 1 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस को विथ एन इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो जिसमें इंक्लूड है कनेक्टिविटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड कोलैबोरेशन एंड डेटा सेंटर सॉल्यूशन। कंपनी साथ ही ओन करती है टावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को। प्रेजेंटली देखे तो कंपनी ओन करती है अराउंड 42% स्टेक को इंदोस टावर लिमिटेड में डायरेक्टली एंड थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी नेटेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इंदोस टावर लिमिटेड के पास 1,75,000 से ज्यादा टावर्स एंड 3,18,000 कोल लोकेशंस हैं और कंपनी की नेशन वाइड प्रेजेंस है जिसमें वो कवर करते हैं सभी 22 टेलीकम्युनिकेशन सर्कल्स को। कंपनी के लीडिंग कस्टमर्स में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एंड रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड शामिल हैं। इन दिसंबर 2020 में भारती एयरटेल ने उसकी सब्सिडरी नेटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इंदोस टावर का अराउंड 5% स्टेक को एक्योर किया था फॉर अराउंड 2900 करोड़ में। अगर कंपनी के AGR ड्यूज सिचुएशन के बारे में देखे तो इन सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था टेलीकॉम प्लेयर्स को कि वो पे करे 10% उनके AGR ड्यूज का जो अथॉरिटीज ने कैलकुलेट किया था, और बाकी के अमाउंट को वो ईयरली इंस्टॉलमेंट से पे करेंगे टिल मार्च 2031 तक। कंपनी ने ऑलरेडी पेड कर दिया था 18,000 करोड़ को उसके AGR ड्यूज का आउट ऑफ 43,980 करोड़ में से। कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को ऐड करती जा रही है दूसरे टेलीकॉम प्लेयर्स के मुकाबले। कंपनी का हाईएस्ट ARPU है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कंपनी ऑन एन एवरेज जितना रेवेन्यू अपने हर एक यूजर से पाती है। अगर कंपनी के लास्ट 5 क्वार्टर्स का ट्रेंड देखे तो कंपनी का टोटल कस्टमर बेस इंक्रीज होता नजर आ रहा है और साथ ही कंपनी का
एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 5 quarters में। अगर कंपनी के एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात करें तो आज ऑफ नवंबर 2020 कंपनी के पास मैक्सिमम एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी के टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स में से 96.6% सब्सक्राइबर्स एक्टिव हैं, जबकि वोडाफोन एंड आइडिया के 89% सब्सक्राइबर्स एक्टिव हैं और जियो के 79.5% सब्सक्राइबर्स एक्टिव हैं। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो जियो आने से पहले और जियो आने के बाद देखें तो एयरटेल का पहले 31.3% मार्केट शेयर था, जो अब 32.2% है। वोडाफोन आइडिया का पहले 40.2% था, जो अब 21.5% है और बाकी सब कंपनियों का तब 28.5% था, जो अब जियो का 38.6% है। अब जानते हैं कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में। कंपनी का 49.8% रेवेन्यू मोबाइल इंडिया से आता है। कंपनी का 25.8% रेवेन्यू अफ्रीका से आता है। कंपनी का 12.9% रेवेन्यू एयरटेल बिजनेस से आता है। कंपनी का 2.1% रेवेन्यू होम्स से आता है। कंपनी का 2.7% रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से आता है। कंपनी का 6.4% रेवेन्यू टावर्स से आता है। अब जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। मिस्टर सुनील भारती मित्तल जो कंपनी के चेयरमैन हैं, मिस्टर गोपाल विठल जो कंपनी के MD एंड CEO हैं और साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस CS कॉम, मिस्टर राकेश भारती मित्तल, मिस्टर TY आतुर लैंग, मिस्टर क्रेग एर्लिच, मिस्टर DK मित्तल, मिस किमसुका नरसिम्हा, मिस्टर मनीष केजरीवाल, मिस निशाबा गोदरेज, मिस्टर शिशिर प्रियदर्शी, मिस्टर VK विश्वनाथन शामिल हैं। अब जानते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास कंपनी का 55.86% स्टेक है। पब्लिक के पास कंपनी का 5.38% स्टेक है। DIIs के पास कंपनी का 20.64% स्टेक है। FIIs के पास कंपनी का 18.12% स्टेक है। प्रमोटर का 0% स्टेक प्लेज है, जो एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी को लेके। अब जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू इन लास्ट 5 years में 1.15% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA इन लास्ट 5 years में 5.2% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन इन लास्ट 5 years में अबव 31% रहा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लास्ट 5 years में -230% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का कंसोलिडेटेड पैट मार्जिन इन लास्ट 5 years में उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी पे आप वीडियो चाहते हैं।